कार्यकाल कांग्रेस के गुजरे हैं, दोनों ही गठबंधन की सरकार थी। तो पिछले 15 साल से तो भारत यही देख रहा है कि गठबंधन की सरकारें चल रही हैं। पर कांग्रेस जब, कांग्रेस जब बीजेपी 38 दलों के साथ गठबंधन कर करके सरकार बना सकते हैं, तो ये जितनी रीजनल पार्टीज हैं, आप चाहे आदरणीय ममता जी ले लीजिए, चाहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री ले लीजिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ले लीजिए, और चाहे आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री के पर, वो तो कांग्रेस के साथ हैं स्टालिन। लेकिन एक मंच ऐसा भी था जहां ममता जी के बुलाने पर सब आ गए थे। तो ये जरूरी नहीं कि फैसला आज हो, फैसला कल होगा और आप देखेंगे एक नई सरकार बनने जा रही है। और जितनी भी समस्याएं कांग्रेस के साथ बनेगी या कांग्रेस को लेकर बनेगी ये कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि गठबंधन मिलकर के फैसला लेगा 23 के बाद। तो ऐसे हालात में आपका कांग्रेस के साथ पुराना भी अनुभव रहा है, तो कांग्रेस के साथ जाने में आपको कोई परेशानी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की संख्या क्या होगी, उत्तर प्रदेश में क्या होगी, वो खुद जानते होंगे क्या है। वैसे बताइए क्या है यूपी में? मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ी जीत उनको हासिल होने नहीं जा रही है। और जहां तक सवाल सरकार बनाने का है, प्रियंका गांधी एक्टिव हैं, राहुल एक्टिव हैं, ज्योतिरादित्य एक्टिव, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस है ही नहीं। एक्टिव होने से तो अच्छा है कि कम से कम अपने विचार जनता तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब जनता आकलन करती है तो कई परेशानियां, कई बुराई कांग्रेस की वजह से ही प्रदेश और देश में है। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कांग्रेस को। मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, मैं उनको सही एस्टिमेट कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा सीटें उनको नहीं मिलने वाली है। पर उन्होंने तो मदद की आपकी, प्रियंका गांधी ने ओपनली ये स्टेटमेंट दिया, कई जगह ऐसे खड़े किए प्रत्याशी जो वोट काट रहे हैं बीजेपी के, आपको इनडायरेक्ट हेल्प है। राजनीति में अगर आप ये कहेंगे कि हम कमजोर प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, ये शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह सकती बात। पॉलिटिकल पार्टी हमेशा इसलिए लड़ती है कि वो अपना वोट बढ़ा लें, अपने प्रत्याशी को जिता लें। लेकिन जनता का जब समर्थन देखा कांग्रेस के लोगों ने कि जनता का समर्थन गठबंधन के साथ है, तो उन्होंने स्वाभाविक ऐसा स्टेटमेंट दिया। पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट था प्रियंका? पॉलिटिकली बहुत ही खराब स्टेटमेंट था। आपने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा बोलेंगे? नहीं, ये मैं उनके बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पॉलिटिकली अच्छा कोई स्टेटमेंट नहीं था। लेकिन जिस तरह की आक्रामक राजनीति प्रियंका कर रही है, स्पेशली ईस्टर्न यूपी में, वो तो 2022 में आपके लिए थ्रेट है, परेशानी तो आपके लिए है। शायद यही वजह है कि आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कांग्रेस को। इसीलिए मैंने कई मौकों पर कहा, मैं फिर कहता हूँ, दोहराता हूँ बात को, गठबंधन की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकें, और इसलिए रोकें कि देश के प्रधानमंत्री ने किसान, नौजवान, हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया, व्यापारी को धोखा मिला। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से उनकी अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी, लेकिन एक्सपोर्ट चला गया, मेक इन इंडिया पे बात नहीं करना चाहते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो और चाहे टाइम मैगजीन हो, वो सवाल खड़े कर रही है आपके देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। और अगर ये सवाल खड़े हो रहे हैं तो देश को नई सरकार मिलनी चाहिए। हमारी कोशिश थी कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, और कांग्रेस की कोशिश है कि उनकी पार्टी बन जाए। ये तो क्या गठबंधन को रोकना चाहती है कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी कई जगह तो एग्जांपल है, कांग्रेस पार्टी गठबंधन को नहीं रोक सकती, लेकिन कांग्रेस की ये कोशिश है कि उनकी पार्टी बन जाए। हमारी कोशिश ये थी, हमारी और आदरणीय मायावती जी की, कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए जिसने देश को पीछे ले जाने का काम किया। आज जितने नारे थे सब भूल गए, डिजिटल इंडिया नहीं बोल रहे, स्टैंड अप इंडिया नहीं बोल रहे, मेक इन इंडिया नहीं बोल रहे, आप मुद्रा के बारे में नहीं बताना चाहते हैं, आपके जो और नौकरी देने का वादा था वो नहीं बताना चाहते हैं, अच्छे दिन तो अब कह ही नहीं पा रहे हैं आप, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यूपी को मिलने चाहिए थे कुछ भी यूपी को नहीं मिला। अगर 2022 में प्रियंका गांधी कांग्रेस से ऐसे चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट असेंबली इलेक्शंस में आती है, आप मुद्रा के बारे में नहीं बताना चाहते, चीजें भाजपा की जो चाहिए, ये कई चीजें हमारे आपके हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में या भाग्य के हाथ में। कांग्रेस आपके साथ डबल गेम तो नहीं कर रही? राजनीति में कोई कितना भी गेम कर ले, लेकिन जनता देखती है और जनता के फैसले से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। आपकी बात से लगता है आप अपसेट हैं कांग्रेस से, और कई बार ही बोले हैं कि जैसी बीजेपी वैसी कांग्रेस, जैसी कांग्रेस वैसी बीजेपी, और दोनों ने आपको सीबीआई से परेशान कराया। आज जितनी भी बुराइयां हैं, मान लीजिए बेरोजगारी इतनी देश में है, आज जो अर्थव्यवस्था इतना पीछे चली गई, और आज हम नौकरियां नहीं दे पा रहे लोगों को, जो नौजवान है जो सपने देखना चाहते हैं, वो अपना कुछ उम्मीद है उनको कि भविष्य में कुछ कर सकते हैं, आज जितना कुछ मिला है
कांग्रेस की बुराई रही, और कांग्रेस की बुराई को भारतीय जनता पार्टी ने और तेजी से आगे बढ़ा दिया। 5 साल के अंदर देश को यह बताया गया कि नोटबंदी से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। लेकिन काला धन कमाने वाले लोग हवाई जहाज से बैठ करके विदेश भाग गए, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। नक्सल की उस समय हमला अटैक हुआ जब उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री खुद थे और नक्सल के खिलाफ भाषण दे रहे थे नक्सलवाद के, और उसी समय 15 जवान शहीद हो गए महाराष्ट्र में, जो आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं एक BSF के जवान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। और फिर हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी भी आतंकवाद पे बोल रहे हैं, ये तो अपने सांड और जानवर नहीं रोक पा रहे हैं। पिछले 3 दिन से लखनऊ में ही कम से कम 250-300 सांड पकड़े जा चुके हैं। तो सोचो, ये स्मार्ट सिटी बना रहे थे, ये जो धोखा देश को मिला है और जो देश को आगे बढ़ना चाहिए था कहीं ना कहीं। इसीलिए हमने कहा है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। तो आपके गठबंधन का मकसद क्या है, मोदी को हटाना केंद्र से या मायावती को प्राइम मिनिस्टर बनाना? हमारे गठबंधन का लक्ष्य साफ है, महापरिवर्तन और सामाजिक न्याय की लड़ाई, सबको हक और सम्मान मिल जाए। संविधान ने जो अधिकार दिए हमें, अधिकार के साथ साथ हमें सम्मान मिल जाए, ये हमारी लड़ाई है बड़ी। क्या आपको लगता है कि जो कोशिशें आप लोग कर रहे हैं मायावती के लिए, आप पूरे देश भर में सपोर्ट गैदर कर पाएंगे? देखिए, मायावती के नाम पे ये उत्तर प्रदेश ही तय करेगा कि सरकार बननी है कि सरकार हटनी है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बननी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो किसकी बनेगी की है? किसकी बनेगी सरकार? बनेगी आने वाले समय में, महागठबंधन अपना मिलकर के फैसला लेगा और देश को नई सरकार मिलने जा रही है। कांग्रेस विदाउट कांग्रेस, विद कांग्रेस विदाउट कांग्रेस, ये इस समय इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है, इसका जवाब 23 तारीख के बाद ही मिलेगा। बहुमत कहाँ है आपके पास अखिलेश जी? मैं ये कहता हूँ कहाँ है बहुमत, आप मुझे बताइए। क्या ममता बनर्जी आपके साथ है? ये कौन किसके साथ? क्या BJD आपके साथ है? ये क्या YSR आपके साथ है? क्या KCR आपके साथ है? क्या स्टालिन आपके साथ है? कौन है आपके साथ? ये जितने नाम आपने लिए हैं आपकी जानकारी में है और देश की जानकारी में है, ये सब वेस्ट बंगाल में मंच पे एक साथ थे। पर वो ममता बनर्जी के लिए आए थे? मैं ये जरूर नहीं, पर वो ममता बनर्जी के लिए आए थे? मैं ये जरूर नहीं समझता हूँ कि आज ये बताया जाए कि आज के टेलीफोन पर किस किस से बात हो रही है, कौन कौन कब मिलना चाहता है। और आप देखिए, देश में अपॉइंटमेंट्स के लिए फोन आने लगे आप पे? देखिए, अपॉइंटमेंट्स के लिए फोन आने लगे, देश में एक्सरसाइज शुरू हो गई। आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी कई जगह मिल चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू जी भी कोशिश कर रहे हैं, पहले भी ये कोशिश हुई थी। तो 23 तारीख आते आते आपसे अप्रोच कौन कर रहा है? आपसे अप्रोच कौन कर रहा है ये समय नहीं है बताने का, लेकिन महागठबंधन मिलकर के फैसला लेगा। पर मुझे लगता है कि मायावती के नाम पर क्या ये आपके अलाइज जितने, जिनकी आप अभी जिक्र कर रहे थे, सहमत हो पाएंगे? देखिए, ये सवाल आज, पर आपने जो एक सौगंध टाइप खा रखी है मायावती को PM बनाने की, हो पाएगा? ये सवाल आज का नहीं है, ये सवाल का जवाब मिलेगा 23 तारीख के बाद, जब परिणाम आ जाएगा। BJP को हरा रहा है, BJP की कितनी संख्या होगी मुझे नहीं लगता कि डबल डिजिट भी पहुंच पाएंगे। अच्छा, मान लीजिए बना ली आपने केंद्र में सरकार, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपके पास क्या है? उनके पास राष्ट्रवाद है, आपके पास क्या है? हम उनसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता BJP के लोगों को। ये जो सड़कें बनी है, एक्सप्रेस वे बना, क्या ये राष्ट्र की मदद के लिए नहीं बना? इसके किनारे मंडियां बन रही थी तो शहर जहां जुड़ रहे थे, राजधानियां जहां जुड़ रही थी, वहीं किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल जाए, बाजार तक सामान पहुंच जाए, ये बना रहे थे। और अमरीका के बारे में कहा गया है कि अमरीका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। ये एग्जाम्पलरी काम है जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं ला पाए सड़क ऐसी, लेकिन देश के जो सड़क मंत्री थे उन्होंने अपने यहाँ ऐसी ही सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया, और उत्तर प्रदेश की सरकार उनसे पैसा और मदद मांग रही थी, लेकिन NHAI ने मदद नहीं की। सोचिए कैसा दुर्भाग्य है तब जब देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हैं। अगर गठबंधन की सरकार बनती है, कल्पना कर लीजिए कि बन गई, अखिलेश यादव की क्या भूमिका होगी? जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी देश को नई सरकार बनाने में और देश को नया प्रधानमंत्री देने में मदद करेगा। आपकी भूमिका क्या रहेगी? आप इनसाइड गवर्नमेंट रहोगे, अंदर रहोगे? मैं फिलहाल तो लोकसभा में जीतना चाहता हूं। आजमगढ़ की जनता से मेरी अपील भी है कि हमारी मदद करें, क्योंकि आजमगढ़ की जनता से
एक अलग तरह का लगाव हमेशा समाजवादियों का रहा है, और जो आजमगढ़ की जनता ने स्नेह दिया है समाजवादियों को और खासकर हम लोगों को मिला है, वो किसी और लोकसभा से नहीं मिला। इसीलिए वहां की जनता ने मुझे मौका दिया, एक बार वहां लड़ू मैं। तो यूनियन कैबिनेट ज्वाइन करने में इतना हेजिटेशन क्यों हो रहा है आपको?